स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में, और मैं खड़ा हूँ मरीन ड्राइव पे। आप देख सकते हो जैसे कि रायपुर का ये लोगो, वो रायपुर अपने आप में ही रायपुर की बहुत बड़ी शान है और रायपुर की पहचान है। गोरों की नकालों की दुनिया है दिल वालों की, ठीक है। तो अब दिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मरीन ड्राइव पे आए हैं। लोग अपना टाइम स्पेंड करने यहाँ पे आते हैं, खुशियाँ मनाने आते हैं या फिर खुशी मनाने, खुशी बांटने आते हैं, लाइक बर्थडे मनाना है या फिर थोड़ा सा आपको कुछ खाना पीना है, दोस्तों के साथ बातचीत करना है, मस्ती करना है, फुल्ली टाइम पास करना है। मरीन ड्राइव बेस्ट प्लेस है रायपुर के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेरे को देखने में बहुत दुखता है, तो वो चीज़ें ये है कि लोग यहाँ पे खाते पीते तो एंजॉय करते हैं, लेकिन वो चीज़ भूल जाते हैं जिसके लिए रायपुर को या फिर छत्तीसगढ़ को काफ़ी अच्छा पोजीशन मिला है, जो कि साफ़ सफाई है। तो उसके लिए अपन देखेंगे कैसे लोग जो है अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं। तो हमारे कुछ साथी भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या सोचते हैं। तो हमारे साथ है IBC 24 से हमारे भैया, इस नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आप क्या बोलना चाहेंगे इस मरीन ड्राइव में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि बड़ा खूबसूरत सा ये मरीन ड्राइव है, और यही वजह है कि यहाँ पर अगर कोई भी आदमी फ्री हो रहा है रायपुर पे, तो चाहता है कि वो मरीन ड्राइव आए, उसी ज़िंदगी यहाँ पे जिए और खूबसूरत इस नज़ारे को देखें। और यही वजह है कि लोग यहाँ पर बर्थडे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तकलीफ उस समय हो जाती है जब अपना जो पिकनिक मनाने के बाद जो कचरा होता है, चाहे प्लेट हो, चाहे बोतल हो, चाहे पानी की बोतल हो या केक की जो वेस्टेज है, वो अगर यहाँ छोड़ देते हैं तो फिर वो उससे गंदगी फैलती है। तो इसको अपना घर ही समझे, जिस तरह से घर में कचरों को डस्टबिन में डाला जाता है। तो आप अगर यहाँ आ रहे हैं, पिकनिक मनाएं, खुशियाँ मनाएं, बच्चों के साथ आएँ, मगर खूबसूरत इसको रखने की कोशिश करें, क्योंकि मोर रायपुर खूबसूरत होगा तो हम खूबसूरत होंगे, और जहाँ खूबसूरती होगी वहाँ पर खुशी होगी। जी बिल्कुल, इस चीज़ के लिए अपन JP भैया जो कि जाने माने एंकर हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या सोचते हैं, क्या हमारा रायपुर हम खूबसूरत बनाने में खुद जिम्मेदार होंगे या फिर अपने रायपुर को थोड़ा सा गंदगी फैलाने में भी हम खुद जिम्मेदार। आप क्या बोलना चाहते हैं? सचमुच अब सफाई के भी हम ही जिम्मेदार हैं और गंदगी के भी हम ही जिम्मेदार हैं। बहुत अच्छा लगता है कि इतनी खूबसूरत जगह हमारे शहर में है, घूमने फिरने की जगहें बहुत कम हैं शहर में, बट ये जो जगह है बहुत पसंद आती है। पसंद आने के साथ साथ हमको इसकी खूबसूरती का ख्याल नहीं रखना है। हम जब भी कुछ खाएँ पिएँ तो कचरा फेंकने की जो जगह है उसे रायपुर को स्वस्थ रखें, साफ रखें, सुंदर रखें, ताकि बाहर से आने वाले लोग ये सोच सके, समझ सके कि एक अच्छी सिटी में हम गए थे, वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। आप अगर अपने शहर को साफ रखते हैं, हमारा ही नाम होना है, आपका ही नाम होना है, इसलिए अपने शहर को साफ रखें, कचरा जहाँ नहीं फेंकें, इंजॉय करें, मस्त रहें। तो देखिए, कुछ लोगों से मिलते हैं अपन और देखते हैं यहाँ पे कितने लोगों ने कचरा फैलाया है, कि कितनी सफाई है, कितना कचरा है। यहाँ पे एक और है हमारे साथ, आइए थोड़ा सा पास आइए, ले जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पे एंकर है हमारे पास माजी, जो कि आप देखते ही होंगे अगर आप रायपुर में ये सब चीज़ें देखते हैं, इवेंट वगैरह में जाते हैं तो आप इनको देखते ही होंगे। क्या बोलना चाहेंगे हमारे मरीन ड्राइव के बारे में, हमारे रायपुर के बारे में, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा कचरा वचरा फैलाया जाता है उसके बारे में? एग्जैक्टली, मैं भी यहाँ पे हमेशा आती रहती हूँ, और प्रमोद दुबे जी और उनकी पूरी टीम ने एक बहुत ही प्यारा ये मरीन ड्राइव, जो पहले तेलीपास तालाब के नाम जाना जाता था, ये बस एक तालाब ही था, लेकिन बहुत धीरे 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 चेंज करके उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने साज सज्जा करके हम सभी रायपुर वासियों के लिए बहुत प्यारा तोहफा तैयार किया है। और मैं चाहूँगी कि इस जगह को अगर मरीन ड्राइव का नाम दिया गया है तो साफ़ सुथरा रखें, जैसे कि हम हमेशा यहाँ पे चिल आउट करने आते हैं, पार्टीज करने आते हैं, बर्थडे मनाने आते हैं, कभी भी घूमने आते हैं, पूरे फैमिली आते हैं, मतलब यहाँ पे हर लोग आते हैं। बस मैं यही चाहूँगी कि जो क्लीन रायपुर, ग्रीन रायपुर का जो हमारा लोगो है, उसे हम बिल्कुल आगे अग्रसर करें और कंटिन्यू करें, और यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि ये कुछ नहीं तो हमारी धरोहर, हमारी पूंजी भी है, और सिर्फ जो वर्कर यहाँ पे काम करते हैं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है साफ रखना, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं, क्लीन रखते हैं, क्योंकि गंदगी हमें वहाँ पसंद नहीं है, तो हम इसे क्यों गंदा कर रहे हैं? हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम इसे साफ रखें। सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, ग्रीन रायपुर और क्लीन रायपुर की तरफ आप भी अपने कदम बढ़ाएं। थैंक यू। मतलब कि मोर रायपुर मोर जिम्मेदारी, स्वच्छ रायपुर। तो अपन थोड़ा कचरा देखने चले क्या? बिल्कुल चलते हैं। कहाँ कहाँ कचरा मिलता है? कम ऑन। फेंकना चाहिए,
कचड़े का यहाँ पे रखा हुआ है। इधर देखिए, इधर देख चुके हो ना आप, और आ गया इधर देखिए, यहाँ पे कचरा है, चम्मच है, ये देखो ये सारी चीज़ें। वैसे तो पहले से साफ हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, कुछ बेशर्म लोग हैं जो अभी भी छोड़ देते हैं इसको नहीं, इसको नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा इसको और स्वच्छ बनाए, हमको नंबर वन आना है, नंबर वन इन इंडिया। ये सारे कचरे अभी भी बहुत सारे कचरे पड़े हुए, मेहनत करना पड़ेगा आपको। ये कचड़ा है, कचड़ा आपके घर में भी होगा, कैसा लगे देखिए, जहाँ जहाँ भी कचड़ा था वहाँ से कितना दूर है ये कचड़े का, जो ये अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ये कचड़े को आप सही जगह पे डाल सकते हो। अपने घर को साफ रखते हो वैसे ही रायपुर को साफ करते हैं, तो इसी के लिए ये ब्लॉग है। इसको नगर निगम के लोग आएंगे और इसको लेके जाएंगे, तो वैसे तो बहुत काफ़ी हद तक जो है साफ़ सुथरा हो गया है हमारा रायपुर मरीन ड्राइव, लेकिन फिर भी कुछ बचा हुआ है जिसके लिए थोड़ा सा मेहनत करें, ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे ही हर जगह पे लगा हुआ है मरीन ड्राइव के चारों तरफ आपका कचड़े का डब्बा, प्लीज़ उसमें ही फेंकें और हमारे रायपुर को स्वच्छ रखें। रोज़ रोज़ आते हैं, गाना सुनाई देते हैं, मोर रायपुर मोर जिम्मेदारी, तो स्वच्छ रखें, क्या बोलते हैं, साफ रखें, सुंदर रखें, स्वच्छ रखें, मोर रायपुर मोर जिम्मेदारी। तो ये छोटा सा व्लॉग है हमारे स्वच्छ भारत अभियान के लिए, स्वच्छ छत्तीसगढ़ के लिए और स्वच्छ रायपुर के लिए। शायद दो लोग भी सीख जाए काफ़ी हमारे इस ब्लॉग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज नीरज शर्मा एंड दिस इज JP शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय।